बाद मैं सेल्स बैकग्राउंड में चला गया था। मेरी बीसीए के टाइम पे कोडिंग अच्छी थी, मैं वेबसाइट डिजाइन करता था उस टाइम पे, और एक प्रोजेक्ट पे भी काम किया था हॉस्पिटल मैनेजमेंट। तो उसके बाद से फिर सेल्स लाइन, मतलब फाइनेंशियल कंडीशन ऐसी होती है तो सेल्स लाइन में जाना पड़ा। देन अभी थोड़ा स्टेबल है, तो मैं सोच रहा हूँ कि इस फील्ड में जाऊँ, क्योंकि मेरा इंटरेस्ट पहले से इसी में था। सो अभी मैं वेब डेवलपमेंट का क्लास ले रहा हूँ। और मेरा बीकॉम कंप्लीट हुआ है 2021 में, मेरा कंप्लीट हो गया था। उसके बाद ही मैंने जैसे ही मेरा थर्ड ईयर कंप्लीट हुआ, रिजल्ट आने के बाद ही मैंने यहाँ पे वेब डिज़ाइनिंग का मेरा इंटरेस्ट भी था इस फील्ड में, तो मैंने ज्वाइन कर लिया यहाँ पे। बीटेक से सेकेंड ईयर, अभी कोरोना में 2 साल मिला तो अभी नहीं तो सी भी हम सकते। मेरा ये किया मैंने ग्रेजुएशन, और यहाँ से चीज़ें बीएससी कर रहा हूँ, मैं साइंस से थर्ड ईयर मेरा सर बीटेक चल रहा है, थर्ड ईयर कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग कंप्लीट है सर, या फाइनल से ओके। सर मेरा बीकॉम कंप्लीट है, और मैं पार्ट टाइम में पहले मैं एक ऑनलाइन सेंटर में ऑपरेटर रहा, और अभी मैं साइबर सिक्योरिटी सीख रहा हूँ। सर बीकॉम से मेरे फाइनली कंप्लीट होने वाला है, और ये भी आपका वेबसाइट डिजाइनिंग डेवलपमेंट का कोर्स करना है। तो हम आपको सबसे पहले वेबसाइट के बारे में कुछ बताते हैं कि हमें अगर कोई टास्क मिलता है कि सपोज आपका कोई फ्रेंड, आपका रिलेटिव बोलता है कि यार हमें वेबसाइट डेवलप करना है, तो वेबसाइट एक ऐसी चीज़ है कि किसी के बिजनेस को वो करोड़ों अरबों तक भी पहुंचा सकती है, और अगर अच्छे से ना बने तो फिर मतलब काफ़ी दिक्कत भी होती है, चलती भी नहीं है, बहुत सारे छोटे छोटे इश्यूज आते हैं। तो सबसे पहली चीज की वेबसाइट ज़रूरी क्यों है, हमें अगर आईटी के स्टूडेंट हैं रिलेटेड टू, हम या तो सॉफ्टवेयर बनाएंगे या तो इसी टाइप की कोई ना कोई वर्किंग कर रहे होंगे अगर हम आईटी के स्टूडेंट हैं, तो उसी का जो एक मेन इम्पॉर्टेंट टॉपिक है या जो कह लो आप उसको, तो हम उसको वेबसाइट के बारे में हम आपको बताते हैं। तो वेबसाइट के लिए हमें करना क्या होता है, क्यों ज़रूरी है, कैसे हम बना सकते हैं बहुत अट्रैक्टिव, कौन सी टेक्नोलॉजी उस पर बेस्ट होगी, क्लाइंट से हम क्या ऐसा बोल रहे हैं कि वेबसाइट हमारी एज कम्पेयर टू उनके जो कॉम्पिटिटर हैं उनसे अच्छी हम डिलीवर कर सकें, उसके लिए हम सबसे पहले तो हमें वेबसाइट के लिए हमें जैसे सपोज अभी आप स्टूडेंट हैं, सब कुछ लोग पढ़ रहे हैं, उसमें बी ए अपने कर ली हो खत्म, तो अब अगर लगता है कि हमें वेबसाइट पे वर्किंग करना है, कि हमें अपने लिए खुद हम रिज्यूम बना लें, कि हम कभी भी किसी को दिखाना हो तो हमें पेज में अपना कागज में ना देना पड़े, हम उनको ऑनलाइन दिखा सकें, तो हमें पहले तो क्रिएटिव होना पड़ेगा उसके लिए। मतलब क्रिएटिव इन द सेंस कि जब तक आपको अंदर से नहीं फील आएगा कि हमें वेबसाइट कुछ या कोई नई चीज डेवलप करना है, तब तक वो चीज़ें आती नहीं हैं। तो उसके लिए हम आपको पहले गाइड करेंगे कि ये चीज़ हम अपन मिलके कुछ चीज़ें कर सकते हैं, तब हम फिर उसको जब बेस्ट टेक्नोलॉजी और बेस्ट टूल के साथ करेंगे तो वो उसका जो रिज़ल्ट आता है वो रियली बहुत कुछ अच्छा रिज़ल्ट देगा। तो उसके लिए सबसे पहले वेबसाइट ज़रूरी क्यों है, तो वेबसाइट ज़रूरी क्यों है क्योंकि आप भी देख रहे हो अभी जब लास्ट 2 ईयर से पेंडेमिक और ये अपना लॉकडाउन और ये सारी चीज़ें चल रही हैं, तो सारी चीज़ जो वर्क कर रही है वो क्या वर्क कर रही है, डिजिटल। मतलब आपने भी देखा होगा कि आपको कोई फ़ोन आ रहा कंटिन्यू चालू है, कोई आपने नेट पे कोई चीज़ देखी, यूट्यूब सारी चीज़ चालू है, तो वेबसाइट एक ऐसा सेगमेंट है जो आने वाले फ्यूचर में कहीं उसका कोई वो नहीं है। ऐप या जो नई चीज़ें आप सुनते हैं कि ऐप आ रहा है, ये आ रहा, वो आ रहा, लेकिन वेबसाइट के आगे वो सारी चीज़ें हैं। पहले सबसे पहले इंसान जो अपना बिजनेस स्टार्ट करता है, कोई भी बिजनेसमैन हो, कोई भी एंटरप्रेन्योर स्टार्टअप हो, सबसे पहले उसको वेबसाइट बनाना पड़ती है। हमारी कंपनी अभी GIC आपने अगर सुना हो, जबलपुर इंक्यूबेशन सेंटर, ये अपना टंगा उद्योग भवन में वहाँ पे वर्किंग है हमारी, वहाँ पे कंपनी भी हम लोग रन करते हैं, हमारे टीम मेंबर ऋषभ राहुल ये बैठे हुए हैं, तो
हमारी एक टीम है जो कि जबलपुर इंक्यूबेशन सेंटर में हम परफॉर्म करते हैं अपनी वर्किंग वहाँ से बैठ के। तो जबलपुर इंक्यूबेशन सेंटर में बहुत सारे स्टार्टअप्स हैं, तो काफ़ी लोग वर्किंग करते हैं, लेकिन जब तक आप अपनी वर्किंग नहीं बताओगे किसी को तो वो आपको कोई भी एंटरटेन नहीं करेगा कि आपका कोई आइडिया है, कोई कंपनी है। पहली चीज़ जो आपको कहीं भी दिखाना पड़ेगी इन फ्यूचर वो आपकी वेबसाइट होगी। अभी जो हमारे स्कूल का जो सेगमेंट है एमपी बोर्ड सीबीएसई बोर्ड इनकी तरफ से ऑर्डर आए हुए हैं कुछ कि हर स्कूल को वेबसाइट कंपलसरी है, बिना वेबसाइट की जो भी स्कूल है उनकी हम मान्यता ही रद्द कर देंगे, क्योंकि सबसे पहला जो फीचर वेबसाइट में है वो सेफ्टी नॉर्म्स जो होते हैं। अभी उनने गाइडलाइन बनाई हुई है अपने जो मोदी जी हैं उनने कुछ ऐसी गाइडलाइंस दी हुई हैं कि अगर किसी स्कूल में आग लग जाए तो सेफ्टी होना बहुत ज़रूरी है। तो आप वहाँ बैठे हुए दिल्ली में बैठे हुए मोदी जी को पता कैसे चलेगा कि सारे स्कूल अप टू डेट हैं, कहीं हमें इन चीज़ों की टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो उसका जो मीडियम है वो है वेबसाइट। कोई फिजिकल कोई लेटर नहीं जाएगा, उनने ये पूरा जो एक सिस्टम बिल्ड कर दिया है वो सारी चीज़ें जो परफॉर्म होने वाली इन फ्यूचर वो वेबसाइट से होंगी। कैसे होंगी? अभी जो हमारे एक लाइव क्लाइंट हैं एक्लव रेसिडेंशियल मॉडल स्कूल है अपना ये रामपुर में और भी ऐसी कई ब्रांचेज हैं उनकी, तो वो गवर्नमेंट की ऑर्गेनाइजेशन है, तो उनको साफ साफ एक लेटर आया हुआ कि आप इस लेटर के नॉर्म्स को देखते हुए पूरी वेबसाइट डेवलप करो। जैसे ही वेबसाइट डेवलप हो जाए उसकी लिंक आप हमारे पोर्टल पर शेयर करो, जैसे ही आप शेयर करोगे आपकी एक उनकी जो वेबसाइट में एक ब्लैक डॉट करके है वो हट जाएगा और ग्रीन डॉट आ जाएगा, सॉरी रेड डॉट है। तो कि मीन्स इनने सारे नॉर्म्स लिए हुए हैं, तो ऐसे करके पूरे जो सिस्टम है अपडेटेड होने वाले हैं। अब वो किसी गांव का कोई सिस्टम हो कुछ भी हो सारे अब अपडेट होंगे वेबसाइट से। पूरा सिस्टम अब जब वेबसाइट से चलेगा तो अगर अब हम अगर वेबसाइट के सेगमेंट में बात करें कि हमसे भी बनती है वेबसाइट बनाते तो कहीं ना कहीं हम किसी अच्छे फ्यूचर के लिए वर्किंग कर रहे हैं या देख रहे हैं, क्योंकि आप दो या तीन चीज़ ही बना सकते हो अभी एज अ डेवलपर, या तो वेबसाइट एक बनता है सॉफ्टवेयर, दूसरा ऐप बनती है। तो हम डायरेक्ट ऐप पे नहीं जा सकते, उसके लिए हमें काफ़ी लर्निंग करना होती है। तो जो पहला स्टेप है आपको वेबसाइट ही बनाना सीखना होगा कि वेबसाइट कैसे बनाते हैं। अब अगर आप इन फ्यूचर प्लान कर रहे हैं कि आप कोई बिजनेसमैन बनने वाला है कोई कुछ, तो उसके लिए आपको वो कहीं ना कहीं वो भी हेल्प करेगी कि हमसे खुद वेबसाइट बनाते बनते हमने अपने बिजनेस की वेबसाइट बनाई हुई है, रियल टाइम पे उसका यूज़ कैसे होता है। हमारे विजयनगर हो चाहे हर जगह पे जबलपुर में क्लाइंट हैं जिनके लिए हमने वेबसाइट बनाई हुई है, पूरे एमपी के लिए हम लोग अभी वर्किंग कर रहे हैं किसी न किसी से चीज़ के लिए वेबसाइट बना रहे हैं। रीवा हो चाहे अपना शहडोल हो इंदौर, हर सिटीज़ में हमने अपनी वेबसाइट बिल्ड की है, जैसे भी हमें वर्क आता है हम उनको डिलीवर कर देते हैं।